नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। समाजसेवी पारसनाथ यादव दीवारा के सरयू घाघरा नदी के किनारे बसे कई गांव के लोगों से नाव से घूम घूम कर उनके रहन सहन और खाने पीने के संबंध में जानकारी ली और होने वाली परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहकर उनका दुख दर्द भी बांटा। वही पारसनाथ यादव का सरकार और प्रशासन पर बाढ़ पीड़ितों की मदद न किए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हर साल देवरांचल में बाढ़ आती है, जिसकी वह जानकारी हर दलों की सरकार और प्रशासन को रहती है, फिर भी इनको कोई परेशानी ना हो इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि बाढ़ आने से संबंध सबसे बड़ी संख्या समस्या उनके शौचालय संबंधी होता है। सरकार द्वारा कम से कम इस मूलभूत समस्या का समाधान करना चाहिए। गांव वालों का कहना है कि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, न सरकार के द्वारा, न प्रशासन द्वारा, न किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा। ऐसे में आप लोग समाज सेवी यहाँ के हैं, क्या आप लोग इनके लिए भलाई के लिए कर रहे हैं? मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आप जैसे मीडिया के लोगों को, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में चल करके 1 किलोमीटर अंदर नाव के माध्यम से यहाँ आए हैं और इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की स्थितियाँ आप देख मौके पे देख रहे हैं, यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, पूछने के बाद ये बता भी रहे हैं कि आज तक शासन प्रशासन द्वारा इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई आपदा राहत कोष से कोई मदद नहीं की गई है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस अंधकार में 2 किलोमीटर अंदर पानी में लोग रहते हैं, यहाँ की लाइट काट दी गई है, मिट्टी के तेल की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए किसी प्रकार की राशन की व्यवस्था नहीं है, खाना बनाने की इन लोगों की जो स्थितियाँ हैं वो तख्त पे रख करके खाना बनाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये चारपाई लगा करके सोए हुए हैं, इतने घुटने भर पानी में जो है ये सोते हैं। रात में इसी तरीके से जो है ये यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों की शौचालय की सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से क्षेत्र पूरा डूब जाने से शौचालय जो सार्वजनिक बने हुए हैं वो डूब गया है। इसके बाद ये लोग लकड़ी के शौचालय बना करके उस पे शौचालय करते हैं। बहुत शर्म की बात है कि यहाँ के लोग माँ बहन बेटियां बहू सारे लोगों के साथ परिवार के लोग रहते हैं। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि ये कितनी कठिन परिस्थिति है कि लोग शौच के लिए पानी में एक लकड़ी लगा करके कितने शर्म के साथ जा